गुड मॉर्निंग लता दीदी, पल्लू लगाने को आवाज देते थे हमारा। हाँ ठीक है, कल का पल्लू सही नहीं लगा चेहरे को। हाँ तो कल ब्रेक के बाद हम लोग ख़त्म कर रहे थे कृष्णा के क्लोसेस, इसलिए आगे का व्लॉग मैं नहीं बना पाई। तो आज है नेक्स्ट डे, मैं फिर से तैयार हो रही हूँ और नेक्स्ट लुक के लिए रेडी हो रही हूँ। आज चेंज है, कंटिन्यूटी का लुक नहीं है, तो बस फटाफट रेडी होती हूँ और आज दिखाती हूँ कि हम एक्चुअली क्या शूट करने वाले हैं। सो बेसिकली कृष्णा की छुट्टी है 2 दिन और उसके एडजस्टमेंट के लिए हमें पहले से क्लोजेस ख़त्म करने थे, तो कल हमने प्रायोरिटी में रखकर उसे शूट किया। एंड दैट्स हाउ वी एक्चुअली टेक छुट्टी। जब हम नहीं होते हैं तो हमारे पहले क्लोजेस या हमारे सीन्स पहले ख़त्म किए जाते हैं, देन बाद में कुछ और काम होता है। सो बस मैं रेडी हो रही हूँ और फिर चलते हैं सेट की तरफ। सो दिस इज़ माय नेक्स्ट चेंज, मतलब दिस इज़ अ न्यू ड्रेस। बस इतना सारा है इस पे। ब्लाउज पहना अपने मैम? नहीं, वो नहीं, टाइम नहीं, अभी बंद ट्राई करती हूँ। ये लीजिए, पहले आप पल्लू लगा दीजिए इसका। अपने बालों में ठंडा करो। सही लग रहा है, सामने वाले ही सही लग रहा। सही का तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। हाँ करेक्ट, मंगलसूत्र टेढ़ा क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। चलो चले, रेडी चलो चले। चांदनी जी और 3 नाइट ड्रेस ओके है। सो दैट्स माय लुक एंड लेट्स गो टू द सेट्स। सो ये एक्चुअली एक्सटीरियर है मेरे सेट का, जो हम लोग कई बार यूज़ करते हैं और मेरे टिक्की के वीडियोस रील्स में यही बनाती हूँ। अब जा रही हूँ, मगर मेरा सीन रह गया। चलो लाइंस करें। ये सब क्या है? सब अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती है। हाँ, और भी करती है। और मेरे भैया की अभी जान गई है और तुम चाहते हो कि मैं सारी गहनों में लद कर तुम्हारे लिए पूजा करूं? I'm sorry, but मुझसे ये सब नहीं होगा। नभिया, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है। तुम्हारी लाना। अच्छा, तो मैं तो नहीं है। अच्छा, ये हो गया। एक साथ लेंगे अब। सॉरी, हाँ। अच्छा, आई एम सॉरी, पर मुझसे ये नहीं होगा। बचपन से देखा है मैंने काकी और काकू को। सोचता था कि सोचता था एक दिन मेरी बीवी मेरे लिए पूजा करेगी। तुम योग के लिए बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन ये नहीं। तुम्हारा लाइन होना चाहिए कि अपने युग के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। हाँ, इतना तो कर सकती हो ना अपने युग के लिए। युग के लिए बहुत कुछ कर सकती हो, बट ये नहीं हो पाएगा।
बचपन से काकू और काकी को देखा था ये पूजा करते हुए। जाते रहे जाते रहे, मैं स्ट्राइक स्लो चले जाना, स्लोली। हाँ, काकू और काकी को देखा था करते हुए और सोचता था कि एक दिन मेरी। ये सब क्या है? लोग वर्ष संतरे की पूजा है। सब बीवी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती है। सीरियसली? हाँ, काकू और काकी भी करती हैं और अब तो यहाँ से रोलिंग ट्रैक पे से एंड बस स्लो ट्रैक करना, बस वाइड ही रखना हल्का एंड एक्शन। उसे मैं नहीं मारा। और यहाँ अप्पू ने मंगाया है हमारे लिए नाश्ता, जो जनरली ऐसे ही होता है, वड़ा पाव समोसा पाव भजिया पाव। आज क्या है? वड़ा पाव। नो फोटो प्लीज, नो फोटो। ये अम्मू बना 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 सर, एक बार और बोलिए बात। तुम्हारे लिए सिंह में बेचारा थप्पड़ मारने पे आ जाए, फिर तुम्हारे लिए थाली गिरा है, गाली सुने, फिर उसके बाद अभी वीडियो भी बनाया तुम्हारा। सर यही तो प्यार है, बस को लाओ। तुम्हें सीईओ क्या बना दिया, तुम ऐसे करोगे? प्रोडक्शन की तरफ से वड़ा पाव है। क्या बात कर रहे हो सर? टचअप हो गया, अब रिहर्सल होगी और यहाँ पर हाय बैठे हैं। दोस्तों से बताना चाह रहे हैं सबको कि क्या करने वाले हैं सीन्स में, कैसा सीन हो रहा है। कोई भी सीन शुरू होने के पहले उसकी रीडिंग होती है, तो यहाँ पर हो रही है रीडिंग ताकि सबको अपनी लाइंस पता रहे कहाँ से कब किसे क्या बोलना है। बिना तो मेरा कुछ नहीं गया। जिम्मेदार मैं हूँ और उसकी गाड़ी में बॉम्ब भी मैंने लगवाया था। और एक और राज की बात बताऊं, उसके माँ बाप को भी मैंने ही मारा था, वो भी बहुत आसानी से। ये सब क्या है ब्रजेश? ये सब झूठ है, मुझे पता नहीं किसी के। यही मोबाइल पे दिखाया इसने। हाँ, स्टेट पकड़ना फोन सीधा।
फोन सीधा पकड़ना रोल हल्का सर हल्का राइट ब्रिजेस सर बस रोलिंग एंड आप जो यहाँ तलवार देख रहे हैं ये नकली तलवार है, इसमें कोई धार नहीं है, कोई भी नोकीली चीज़ नहीं है। दिखने में ऑन स्क्रीन बहुत रियल लगती है बट होती बिल्कुल नकली है और किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये मेरे बाबा को धोखा देने के लिए उठो। ये मुझे और नम्रा को अनाथ बनाने के लिए जनरली कोई भी फाइट सीक्वेंस जो आप टीवी पर देखते हैं, जो आप मूवीज़ में देखते हैं, उनके लिए फ़ाइट मास्टर आते हैं सेट पर जो सारे सीक्वेंस करवाते हैं। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी या बहुत बड़ी फ़ाइट नहीं है और चेतन सर बहुत ही सीनियर एक्टर है तो उन्हें पता है कैसे एक्ट करना है, कैसे गिरना है। तो यहाँ पर बिना फ़ाइट मास्टर के हमने ये सीन किया और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा था ऑन स्क्रीन। आई होप आपने देखा होगा। इसे मरना होगा और इसे तो मैं ऐसे ही मौत मारूंगा ना। इसकी रूह भी तुम्हारा चरण लेने से पहले तड़प उठेगी। दादी लाई है हम लोगों के लिए पॉपकॉर्न और हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न। इस पॉपकॉर्न टाइम दाद दिखाना। थैंक यू दादी। सो इस 8 मिनट का सीन जो लेकर आया था, जो एक्चुअली आपको टीवी पर 10 मिनट दिखाई दे, 10 से 12 मिनट, वो हमें शूट करने में लगा है ऑलमोस्ट 5 घंटा एंड स्टिल नॉट ओवर। पहले कैमरा उस साइड था, अब कैमरा इस साइड होगा। सो अगर आप सोच रहे हैं कि जनरली हमें कितना टाइम लगता है बनाने में एक सीन, एक एपिसोड, तो डिपेंड करता है कि सीन और एपिसोड कितना बड़ा है और कैसे बनाना है। बहुत ताम झाम वाला सीन था एंड दैट्स द रीज़न इट टुक ऑलमोस्ट 5 आवर्स, उससे भी ज़्यादा शायद, पर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद ख़त्म होगा एंड देन विल गो टू द अनदर सीन जो किचन में होने वाला है। हाँ मेरी सखी आ गई। सो आई कृष्णा एंड मैम आर वेरी वेरी क्लोज ऑन सेट एंड हम साथ में खाना खाते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है, फील लाइक फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड। तो बस रो रो के आंखें लाल हो गई हैं और सीन कंटिन्यू करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ स्मॉल फाइटिंग सीक्वेंस सीन और अ कॉम्बिनेशन सीन। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हाँ मेरे व्लॉग ज़रूर देखिए। नया वीडियो, नया सीन, नया शूट डे। टाटा।